150 फीट हो गए अब ये। और वो पहले वाले गड्डी की कितनी गहराई रही होगी, वो कितना चौड़ाई लंबाई रही होगी? इसकी चौड़ाई लंबाई 50 बाई 50 मान के चलिए, 50 बाई 50 फीट नहीं गज। तो वो पहला गड्ढा 50 बाई 50 गज का, फिर उसके बाद वो ये दूसरे गड्ढे में जो गिरा पानी, और ये बोल रहे हैं कि 50 मीटर अप्रोक्सीमेटली लंबा है। इसमें ये तीन पौधों के जो आपको नाम बताए थे ये उगा रखे हैं सब इसमें। अच्छा, और ये मतलब इसके नीचे मिट्टी है पूरी इस? ये एक नाली बनाई हुई पक्की। अच्छा, पक्की बनाई हुई है। हाँ, आगे मिट्टी है। हाँ, इसमें सारा जंगल ही है पूरा, ऐसे ही इन्हीं पौधों का जंगल है। और नीचे इसके पानी है, वो रिसीवर वाला है, ये देखो पानी है, पानी चल रहा है। अच्छा, धीमे धीमे वो अपने चले जा रहा है। हाँ, सफाई हो रही है। हाँ, इसके बाद आप आ जाओ यहाँ से, यहाँ से पानी घूम के ऐसे होते हुए करके। अच्छा अच्छा, फिर से एक पत्थर की लेयर आ गई, फिर एक लेयर आ जाएगी, फिर एक यहाँ एक दीवार खड़ी होगी। पानी वहाँ से घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे से फिर ऐसे आएगा। अच्छा, वहाँ से आया है, थोड़ा सा यू टर्न मार के गया है। अच्छा, जिग जैग कर दिया ताकि थोड़ा अटकते जाए सामान उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर ये आ गई, अब ये लेयर, फिर इसके बाद पत्थर निकाल दिए। यहाँ भी देखो काफ़ी साफ हो गया, पत्थर नीचे के दिख रहे हैं हमको। अच्छा, और फिर इससे करके इसमें चला, ये बारीक पत्थरों से अब छोटे वाले एकदम पत्थर आ गए। ये बड़े बड़े पत्थर थे, एक इंची। तो पत्थर उत्थर कैसे मंगाए? ये तो सब आ जाते हैं बाहर से, क्या बाहर से मंगाने पड़ते। और ये कौन सा उगा हुआ है? ये कच्चा प्लांट हो गया, ये पेवर कच्चा है। अच्छा अच्छा, मिट्टी है बस इसमें, मिट्टी है इसमें, तो कहीं भी पत्ता नाली और मिट्टी दोनों की हुई है। ये पेवर कच्चा हो गया। अच्छा, मैं ये सब ये खड़ा कर दिया कि इसमें जो है कुछ भी जाए इसी में जमा हो। हाँ, ये गहराई तो इसकी काफ़ी है। अच्छा, कितनी? कम से कम होगी 10-12 फीट। 10-12 फीट? अच्छा, इससे ज़्यादा ही। अच्छा, उसके बाद ये पौधे उगाए हैं। तो पौधे उगाने का मतलब आप अगर आप स्टार्टिंग से ही हो इसमें? नहीं, बाद में आया। तो जैसे मतलब ये पहले पौधे उगाए बाद में पानी डाला कि उगा के और उसके बाद पानी चालू कर दिए? पौधे उगा के पानी, ये ऐसे पौधे हैं कि ये वहीं अपने आप तैयार होकर रहते हैं पानी में, जो सूख जाएगा वो खराब हो जाएगा, गिर जाएगा, जो उसकी नया फुटा लेगा। मगर तरीका ये था कि पहले पौधे थोड़े से उगा दिए फिर पानी छोड़ना चालू किया। पानी छोड़ना। अच्छा, और ये कौन सा है ये जो जमीन में उग रखा है? ये यही वाला है जो खड़ा है। अच्छा, वही बड़ा हो गया। अच्छा, ये जो, हाँ ये जो छोटे छोटे, ये तो ऐसे पानी में अपने आप कुछ ना कुछ उग रहा है। अच्छा, इस चीज़ की सफाई होती है रोज, जैसे सफेद यहाँ भी कुछ ना कुछ, हाँ झाग वगैरह जम रहा है। हाँ, ये झाग होता है कि जैसे गंदा पानी, तो यही चीज़ है असली। हाँ, ये सफाई होगी पानी इसके बाद भी और साफ होगी। तो सफाई करते कैसे, मतलब क्या करते हैं? ब्रश ला के ऐसे काट के ले जाएंगे? झाड़ू हो गया। हाँ, सीट और तार। हाँ, उसको काट दिया, सिर रगड़ रगड़। हाँ, ये पत्थरों के बीच से सब निकाल, सब जमा हो जाता है। इसमें डाल देते हैं निकाल के? हाँ, सब इसी में निकाल देते हैं। अच्छा, जो मोटा होगा उसको हटा के बाहर कर। हाँ 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 हाँ, जो जैसे बारीक हो निकल। हाँ 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 हाँ, यहाँ से काट देंगे पत्थर को, अपने आप अच्छा बह के ही चला जाएगा, बह जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा कच्चे प्लांट। तो यही आखिरी है ये? हाँ, इसके बाद फिर लास्ट झील होगी। तो उसमें भी कुछ ऐसा है पत्थर की लेयर वेयर बनी हुई है? ना, उसमें कोई लेयर, केवल पाइप लगा डायरेक्ट इसमें। अब ऐसे जा रहे हैं अपने आप, रुकते रुकते अपने पानी झील में उतर जा रहे हैं, उसी में सब अपने चिड़ियाएँ वगैरह सब अपना बना रही हैं। ये तो बढ़िया है, इतने बड़े गड्ढे के पानी को सही करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो और मतलब एक तो ये झील बनी हुई है, और किसी तरीके से भी इस पानी का इस्तेमाल होता है? ना, बस इसका यही, ये झील अपनी बनी हुई है, चिड़ियाँ अपना बना रही हैं रहने का, बस ये कि सीवर के पानी को साफ कर दिया कम से कम। बस।